क्लास में हम डीमेरिट्स ऑफ कोठारी कमीशन या फिर कोठारी कमीशन ने जो सुझाव दिए थे उसमें क्या कमियां थी उसके बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल देने से बालकों का नैतिक व आध्यात्मिक विकास पर प्रभाव पड़ा। जो विज्ञान व तकनीकी शिक्षा थी हमने सुझाव में पढ़ा था, कोठारी कमीशन ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया था विज्ञान को, तकनीकी शिक्षा को, औद्योगिकरण को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और जिससे भारत का विकास हो सके। बट इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया साइंस को और टेक्नोलॉजी को कि आध्यात्मिक और जो नैतिक विकास था कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, जो कि अच्छी बात नहीं थी। हमें भारत देश का तो विकास करना ही है, पर कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक विकास भी करना है, अच्छे नागरिक तैयार करने थे, पर वो नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही थी। अंग्रेज़ी भाषा को अधिक महत्व देने के कारण भारतीय भाषाओं का विकास अवरोध हो गया। जो अंग्रेज़ी भाषा है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी, क्योंकि कोठारी कमीशन ने कहा विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया था, और उस समय भारत में भारतीय भाषाओं में विज्ञान का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों ने इतना अच्छा काम नहीं किया था जितना विदेशी भाषाओं के जो बुक्स थी वो ज़्यादा अवेलेबल थी। तो उसकी वजह से अंग्रेज़ी भाषा को अधिक महत्व मिला और भारतीय भाषा जाने अनजाने पिछड़ती गई, या फिर उसे नेगलेक्ट कर दिया गया, या उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला जितना अंग्रेज़ी भाषा को मिला था कोठारी कमीशन में। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को धन के अभाव में शुरू नहीं किया जा सका। जो बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम या प्रोग्राम्स पॉलिसीज बनाई गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा, धन के अभाव के कारण या धन की कमी के कारण उसे उस पर काम नहीं किया जा सका। शिक्षा की संरचना के विषय में जो सुझाव दिए वे अस्पष्ट व उलझे हुए थे। हमने जब कोठारी कमीशन के सुझाव पढ़े उसमें पहला ही पॉइंट था शिक्षा की संरचना व स्तर के बारे में कोठारी कमीशन ने बात की थी, बट वो इतने अनक्लियर थे या फिर इतने उलझे हुए अस्पष्ट थे कि उस पर काम नहीं किया जा सका, या पूरे देश में वह संरचना लागू नहीं की जा सकी, क्योंकि वो काफ़ी अस्पष्ट थे। इसके अलावा आप कुछ पॉइंट और ऐड कर सकते हैं दोष में, कोठारी कमीशन के दोष में, जैसे कि अस्पष्ट प्रशासन या फिर प्रशासन में कमी थी। बोला गया कि ज़्यादा धन हमें व्यय करना है शिक्षा पर कितना सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, कितना स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, ये क्लियर नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम देखना है, वो भी क्लियर नहीं था। इसकी वजह से जो प्रशासन था वो काफ़ी कमज़ोर था। एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करने का जो कोठारी कमीशन ने सुझाव दिए थे उसको लागू एक्चुअल में कैसे करना है वो क्लैरिटी नहीं मिली। तो जो केंद्र सरकार थी और प्रांत सरकार थी, ना उन्हें पता था हमें कितना कंट्रीब्यूशन पैसे में देना है या काम क्या एक्चुअल में करना है, हमारा क्या उत्तरदायित्व है, वो क्लियर नहीं था। उसकी वजह से भी दिक्कत हुई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयोग की सिफारिशों का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। जो आयोग ने सिफारिशें दी थी उस पर क्या, उसका प्रभाव क्या पड़ा भारतीय शिक्षा पर। देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने का प्रयास शुरू कर दिया गया। जो 10+2+3 जो संरचना थी शिक्षा की, जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था कि 10+2+3 होना चाहिए, ये कोठारी आयोग से ही स्टार्ट हुआ था।
तो इसका जो लागू करने की प्रक्रिया है, उसका प्रयास है, वो कोठारी कमीशन से स्टार्ट हुआ था, मतलब 1964। नेक्स्ट, प्लस टू स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की गई, परंतु सफलता नहीं मिल सकी। जो प्लस टू हमारा स्तर था, लेवल था, उस पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम को ऐड करने की बात की गई, क्योंकि कोठारी कमीशन ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया था वोकेशनल एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी को, साइंस को। तो उन्होंने कहा था प्लस टू लेवल पे हमें वोकेशनल एजुकेशन को ऐड करना चाहिए, पर उसकी सफलता नहीं मिल पाई, उसमें सफलता नहीं मिल पाई। नेक्स्ट, स्नातक पाठ्यक्रम को 3 वर्ष का कर दिया गया, जो ग्रेजुएशन डिग्री थी या ग्रेजुएट कोर्स थे उसको 3 इयर्स का कर दिया गया। आप देखेंगे काफ़ी सारे जो इनके सजेशंस थे अभी भी चल रहे हैं, तो इसीलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया कोठारी कमीशन को, क्योंकि इसने जो सुझाव दिए थे वो अभी तक यूज़ हो रहे हैं, अभी तक हमारी शिक्षा प्रणाली में आप देखेंगे इनके सुझाव जो हैं वो काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए, इन्होंने हायर एजुकेशन को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए, जो कि काम भी आए। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा को सुधारा गया, जो शिक्षक शिक्षा थी, जो टीचर्स के लिए एजुकेशन दी जा रही थी, उसको सुधारने में भी काम किया गया, प्लस उसके एक्सपेंशन में, प्रौढ़ शिक्षा के एक्सपेंशन या फिर कह लो विस्तार में भी विस्तार पर भी काम किया गया। तो शिक्षक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा के सुधार व विस्तार में कोठारी कमीशन ने बहुत काम किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का आधार भी इसी आयोग से लिया गया। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आप आगे चल के पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कोठारी कमीशन के काफ़ी सुझाव उसमें लिए गए थे। तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी जो भारत की, उसमें सारे जो बहुत सारे सुझाव या सजेशंस हैं जो कोठारी कमीशन से लिए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोठारी कमीशन ने इतने अच्छे सुझाव दिए थे कि आगे चल के जब भारत ने अपनी शिक्षा नीति बनाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई, उसमें उसने वो सुझाव को यूज़ किया। आज के लिए इतना ही।